ऑफ ए लेंस। लेंस फॉर्मूला किस चीज को रिलेट करता है, मीन्स जोड़ता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ध्यान देना होगा। और दैट इज हम लोग यहां पे कह सकते हैं 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। यही फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करना है कैसे आएगा ये। मिरर में क्या हुआ था 1/v + 1/v = 1/f, ये प्रूफ किया था। लेंस में भी वैसे ही प्रूफ करना है, प्रूफ काफी आसान है। जो कुछ वहां एज्यूम किए थे वही यहां पर भी एज्यूम रहेगा। वहां पर था एपर्चर बहुत थिन छोटा था, यहां भी एपर्चर बहुत छोटा होगा। यहां पर लेंस का साइज बहुत थिन होगा, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है। देखो ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद बुक के अकॉर्डिंग मानते हैं इस पॉइंट को हम लोग फोकस कर रहे हैं, फोकस को कैपिटल एफ दिखाए। और सेकेंड इसका डबल डिस्टेंस को क्या मानते हैं 2f ना, 2f को सी मान सकते हैं। 2f एक तरह से क्या होता है, सी होता है ना, इसको सी मान लिया गया फिगर के अनुसार। और इस फोकस को क्या मानते हैं सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस को क्या मान ली एफ डैश, और सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मान लिए सी डैश। ठीक है, आप चाहें तो 2f भी मान सकते हो और 2f डैश भी मानोगे तो भी सही है। लेंस का इस कर्वेचर का जो फोकस होगा वो ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसका कौन है ये हो गया। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट को बुक के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया बिटवीन सी एंड एफ, यहां पर रखा अपने ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे पैरेलल, तो रूल के अकॉर्डिंग कहां से पास करेगा ये पढ़ा है ना, फोकस से पास किया गया। इमेज रूल कहां बनेगा, इमेज बनेगा जो ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, तो इमेज बनता है बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे बनेगा इमेज। और दूसरा इंसिडेंट रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लिए, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लिए, यहां कटा, इसका मतलब इमेज कहां बना, इमेज साफ है कि सी के बियॉन्ड बना, बना ना इसकी बियॉन्ड, दिस इज इमेज, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया गया, ऑब्जेक्ट को माना गया है ए बी, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए बी जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है वो बिल्कुल बना इन्वर्टेड ना, तो व्हाट इज द नेम ऑफ इमेज, इमेज का नाम दिया हुआ है ए डैश बी, ए डैश बी डैश। ठीक है, चलो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो बिना डेविशन के निकल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए तो फोकस से पास, इमेज रियल बना है इन्वर्टेड बना है। यहां तक सभी का ड्रॉ कीजिए पहले। बोलो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज अगर लेंस मिरर में किए थे, बोलो किसका यूज किए थे, किस कंसेप्ट का यूज करके लाए थे, सिमिलैरिटी का। मिरर फॉर्मूला में जिस तरह सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज किए थे वैसे ही लेंस फॉर्मूला को प्रूफ करने में भी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। हमने ओ को एम से ज्वाइन किया ताकि पेयर ऑफ ट्रायंगल बन पाए सिमिलर करने के लिए, तो पहला ट्रायंगल हमें दिखाई पड़ रहा है जो कि है इन ट्रायंगल, डायरेक्ट कर रहा हूं दिक्कत किन्हीं को बोलोगे, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, क्या ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ को सिमिलर कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी ओ के, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ है ना,
इस दोनों में एक को वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है और दूसरा 90 मिल गया, और कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मात्र दो एंगल चाहिए। क्या दो एंगल जैसे मिला ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए। ए डैश किसके इक्वल है, वो ए डैश नहीं बी डैश किसके इक्वल है, बी के, बी डैश बीच में, बी बीच में, ये एंगल ओ किसके इक्वल है, एंगल ओ के, ओ लास्ट में, ओ लास्ट। दो एंगल जैसे ही सेम मिला समझो वो सिमिलर है, बाय विच रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो बाय सीपीएसटी उसी रेशियो को लेंगे जो प्रूफ का पार्ट होगा। क्या प्रूफ के पार्ट में कहीं भी एडस बीडस आएगा क्या, नहीं आएगा। एडस बीडस तो हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज की कहीं बात क्या है, देखिए इसका मतलब एडस बीडस को रेशियो में शामिल नहीं करना है। आप लोग पढ़े है ना, दो ट्रायंगल को जब सिमिलर करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब एडस बीडस क्यों छोड़ दिए, क्योंकि वो हाइट ऑफ इमेज है और प्रूफ में हाइट ऑफ इमेज का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दिया गया उसको। आप लिख सकते हो बी डैश ओ बाय कितना, बी ओ, बी डैश ओ है ना बाय कितना, बी ओ। और बी डैश ओ क्या है, ये इमेज बनाना, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को इमेज करेंगे, प्रूफ का पार्ट है कि नहीं वो। और ओ भी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से हर डिस्टेंस मापना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं व्यू हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी, छोड़ दिए इसको ऐसा ही। और क्या ए डैश ओ कुछ है क्या, ए डैश ओ, ए डैश ओ कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ये, चलो फिर भी लिखना पड़ेगा, सबको लिखते हैं, चलो कुछ ना कुछ आगे काम में आएगा ये। ए डैश ओ और बी एओ, एओ भी कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, इसको इक्वेशन वन मान के स्टॉप किए, सिर्फ काम का है ये भी काम का नहीं है, ये हट जाएगा तो वैसे इक्वेट करने के बाद। अब दूसरा करो पेयर कौन सा लेंगे, दूसरा पेयर कौन से ट्रायंगल का लेंगे कि सिमिलर हो जाएगा। साफ दिख रहा है ट्रायंगल एम ओ एफ भी सिमिलर है किसके, एम ओ एफ में 90 ही है, 90 ही है एम ओ एफ है ना, और बी डैश ए डैश एफ एक वर्टिकली अपोजिट दोनों में आया, एक 90-90 आया, ट्रायंगल एम ओ एफ को सिमिलर कर सकते हो किसके, ए डैश बी डैश एफ, एफ देखो एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ सिमिलर हो गया। चलिए उसके बाद ये किस रूल से सिमिलर हुआ, एंगल एंगल से, यहां भी बाय सीपीएसटी क्या कहोगे, एम ओ, एम ओ प्रूफ का पार्ट है, कैसे बताएंगे आपको हम, ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या कहोगे, इक्वल टू क्या कहोगे, इक्वल टू ओ एफ, ओ एफ कहीं से है, ओ एफ भी है, बाय कितना बी डैश एफ, सही है। इसको उलटेंगे, उलटेंगे क्यों, इसका कारण बताएंगे, पहले एम ओ किसके इक्वल है, क्या एमओ को आप ए बी के इक्वल कर सकते हैं, एमओ को ए बी के इक्वल कर सकते हैं, तो यहां पर लिखा आएगा ए बी बाय कितना ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बाय व्हाट बी डैश एफ, क्यों कहा ऐसा, सिंस एमओ किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलो यहां से एमओ इक्वल टू ए बी कर दी, अब इक्वेशन टू जो हम लोग बनाए इसको उल्टेंगे तब लगता है ये इसके सेम हो जाएगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो इस साइड क्या बनेगा आपके पास, बी डैश एफ बाय ओ एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय व्हाट ए बी, इसको उल्टे ऊपर गया नीचे आ रही है, ये ऊपर नीचे तो साइड में कर दिए, तो इस तरफ भी साइड में है ना, साइड कर दी। अब फ्रॉम वन टू क्या मिला, फ्रॉम वन एंड टू कहोगे सर ये दोनों पार्ट, ये पार्ट इसके सेम है, जब ये पार्ट इसके सेम क्या मिला हम लोग को, बी डैश ओ बाय व्हाट बी ओ इक्वल टू बी डैश एफ बाय व्हाट ओ एफ, ठीक है। वो पार्ट जिसका काम नहीं था वो अपने हट गया ना, इसके लिए उसको लिखते हैं हम यहां पर कि हट जाएगा वो, यहां एओ लेंथ हटता नहीं, उससे एओ नहीं लिए। अब लोग बी डैश ओ कोई डिस्टेंस है, बिल्कुल डिस्टेंस है, बी डैश ओ कौन डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस, बोलो इंसिडेंट रे के अपोजिट या सेम डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे गया ऐसे और ओ से हम गए इधर, सेम है सेम, तो बोलो इमेज डिस्टेंस प्लस की माइनस, ये इमेज डिस्टेंस दिखाते हैं बी से, ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाते हैं किससे, यू से, ये फोकस फोकल लेंथ दिखाएंगे किससे, एफ से। देखो यहां पर बी डैश ओ सेम डायरेक्शन में है, प्लस की माइनस प्लस बी बाय बी ओ क्या है, बी ऑफ द डिस्टेंस है, ओ से बी आएंगे उल्टा हो गया ना, यू कितना हो गया माइनस यू, बी डैश एफ, बी डैश एफ कौन डिस्टेंस है, अभी ये कोई डिस्टेंस नहीं लेकिन काम चलेगा, बी डैश एफ को आप लिख सकते हो ओ बी डैश माइनस ओ एफ, नहीं कहोगे बी डैश एफ इस डिस्टेंस को कहोगे ना, ये पूरा माइनस ये, तो ये कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको रेफरेंस कहां से किए हम, ऑप्टिकल सेंटर से किए, ऑप्टिकल सेंटर से ही कोई डिस्टेंस मापते हैं, तो इस डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंचाने के क्या किए, इस पूरे में इतना है इसके, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से और ये भी कहां, वो सही है, और ओ डैश ओ एफ कहां से है, ओ एफ कहां है, ओ एफ ही है, सही है ना, केमिस्ट्री में वो है चेक कर लोगे, सही है, ओ एफ, ओ एफ को आप फिर क्या कहेंगे, सिंपल ओ एफ इज व्हाट, फोकल लेंथ प्लस की माइनस प्लस, सही है। अब लास्ट स्टेप है इसको पुट करके सिर्फ सॉल्व करना, बोलो भी रह गया माइनस यू भी प्रूफ में है ना, एफ भी प्रूफ में है, प्रूफ में ये नहीं है, इसको रिमूव करना है चेंज करके, ओ डैश बी क्या बन गया, ओ बी डैश क्या बन गया, प्लस बी की माइनस बी प्लस बी माइनस, ओ एफ क्या बन गया स्मॉल एफ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ गया, वी एफ इक्वल टू माइनस यू बी प्लस यू एफ, सही है, वी एफ इक्वल टू माइनस यू बी प्लस यू एफ, सात करो इसमें एफ के टर्म को सात करो, तो भी यू बी इक्वल टू लिख सकते हो कितना, यू बी इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ होगा, ठीक है। अब डिवाइड करें, अब इससे हम एफ कॉमन निकाल लें, एफ कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, यू माइनस बी, तो वन बाय एफ इक्वल टू क्या आएगा, यू बी बाय यू बी आएगा, वन बाय एफ यू माइनस बी बाय यू बी, वन बाय एफ रिमेन सेम आ गया, यू बी से भागा तो यू में कितना बचेगा, वन बाय बी, बी से भाग दे भी क्या बचेगा, वन बाय यू, दिस इज योर, क्या बोलना चाह रहे लीनियर मैग्निफिकेशन जिसके बारे में तो पहले भी पढ़े हैं, ये क्या होता है, देखो आंसर लीनियर मैग्निफिकेशन को दिखाते हैं किससे, एम से, एम स्टैंड्स फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसका फॉर्मूला है माइनस वी, लेंस में होता है वी बाई यू, और एक क्या होता है, और एक होता है एम इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, कैसे आएगा इसको प्रूफ करेंगे, चलो लिखोगे यहां पर, इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम लोग को साफ मालूम चल रहा है कि बी डैश ओ, बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ क्या है, बी है प्लस बी की माइनस बी प्लस बी, बी ओ क्या है, बी ओ यू है प्लस बी की माइनस यू, ये इधर जा रहा है इधर उल्टा है इसका, माइनस यू इक्वल टू, इक्वल टू क्या, एडस बी, एडस बी क्या है, एडस बी डस क्या, हाइट ऑफ इमेज, मींस क्या हो गया ये एच आई, और ए बी क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मींस क्या एच ओ, जहां एडस बी डस वहां क्या पुट करेंगे, एच आई प्लस के माइनस, माइनस क्यों, चूंकि आप पढ़ाए हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब डिस्टेंस मापते हैं नीचे तो क्या होता है, माइनस होता है, और ए बी कहां है, ए बी ऊपर है ना, ये क्या हो गया एच ओ, यहां से कुछ कटेगा, यहां से कट जाएगा माइनस माइनस दोनों तरफ ना, तो बी बाई यू इक्वल टू क्या बनेगा, एच आई बाई एच ओ,
मतलब ये आपका हुआ रिलेशन प्रूफ हो गया कि एच आई बाई एच ओ और डी बाई यू के बीच में। क्वेश्चन वन से प्रूफ हुआ ये, तो लिनियर मैग्निफिकेशन का डिफाइन था द रेशियो ऑफ एच आई बाई एच ओ, बट एच आई बाई एच ओ किसके इक्वल हुआ, वी बाई यू के इक्वल हुआ, ये आपका क्वेश्चन वन से प्रूफ भी हो गया। ये डिफाइन से आया, ये जो आया डिफाइन से आया, और ये प्रूफ कहां से हुआ, ये डिफाइन से आया और ये आपका प्रूफ हुआ क्वेश्चन वन से, ठीक है। मिसलिनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और क्या हो गया, वी बाई यू, ये कहां से आया, तो कहोगे सर कि डिफाइन से ये आया था, ये आया फ्रॉम डिफिनेशन और ये आया आपका फ्रॉम फिगर, प्रूफ किया वी बाई यू को। चलो इसको ध्यान रखोगे अच्छे से, फिर आगे लिखोगे नेक्स्ट। लिनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, लिनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, लिनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, लिनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। देखिए बहुत सिंपल ये भी है, मतलब m का फॉर्मूला हम लोग पढ़े अभी जस्ट, एक वी बाई यू और एक क्या पढ़े, और एक पढ़े एच आई बाई एच ओ, बट हमको लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए किस टर्म में, तो यू एफ में ना, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ मीन्स व्हाट, फोकल लेंथ, इस टर्म में चाहिए। बहुत सिंपल ये भी है, कहोगे सर सिंस 1 बाई वी इक्वल माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, सही है, हमको किस चीज को रिमूव करना है, वी को रिमूव करना है, मीन्स ये भी हटाना है और लाना क्या है एम, तो अगर हम लोग यू एफ में चाह रहे हैं सर, U और F में चाहिए हमको आंसर, तो एक काम करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय व्हाट, U, जब U से दोनों तक गुना करेंगे तो कितना होगा, U by V होगा, ये U into 1 by U कितना हो गया 1, और ये क्या हो गया U by F हो गया। अब लो U by V को इस फॉर्मूला से क्या कहेंगे, 1 by M कहेंगे ना, M नहीं 1 by M कहेंगे ना, 1 by M होगा उल्टेंगे तो 1 by M minus 1 equal to U by F, यहां से M का मान चाहिए आपको तो 1 by M equal to कितना हो गया 1 plus U by F नहीं हो गया, यानी 1 by M equal to LCM क्या इसका होगा F, means F plus U, उल्टेंगे फिर इसको M का मान कितना आ गया F by U plus F, this is the formula of magnification in terms of F and U, F और U के terms में ये formula प्रूफ हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई both side U से क्यों किए, U से किए ये U हट गया और ये U by V बन गया आपका 1 by M, हम आगे एक और है कुछ तुम पढ़ोगे जस्ट इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट है लिनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, वी और एफ के टर्म में चाहिए डैश को ना, चलो वी और एफ के टर्म को कैसे मिलेगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करें बोथ साइड किससे, वी से करेंगे, कितना वी बाय वी वन हो गया, ये कितना हो गया वी बाय यू, ये कितना हो गया वी बाय एफ नहीं हो गया, चलो बोलो वन माइनस वी बाय यू क्या बन गया एम इक्वल टू वी बाय एफ, एम का मान चाहिए एम को साइड कीजिए प्लस में, एम साइड किए एलसीएम एफ, एफ माइनस वी इक्वल टू व्हाट एम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी, ठीक है। चलो कहानी खत्म हो गई, पूरा प्रूफ खत्म हो गया, क्वेश्चन इस पर बैठा दे, तीन चीज आपको मोड़ दे रहे हैं जानकारी के लिए, वो भी ध्यान रखोगे, एनसीबी क्वेश्चन के लिए वो भी काफी रिसेंट है। हो गया तीनों फॉर्मूला, हो गया आपका लेंस फॉर्मूला खूब भी हो गया,
एयर मैग्निफिकेशन में एच आई वाई एच ओ बी वाई यू के इक्वल कैसे होता है वो भी फिगर्स प्रूफ हो गया, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो दो अलग टाइप का था वो भी प्रूफ हो गया। इसमें तीन चीज को आप ध्यान रखिएगा, और क्यों लिखा रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना। देखो अगर एच आई बड़ा होगा एच ओ से, ब्रो आपका इमेज इनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है, इनलार्ज होगा ना। अगर एच आई हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इमेज को इनलार्ज करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड किससे, एच ओ से, क्या बनेगा ये एच आई बाय एच ओ मोर देन वन होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड एच ओ, एच ओ बाय एच ओ वन हो गया ना, ये एच आई बाय एच ओ हो गया। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है जस्ट आपको भी, हम एम एम का मान एक से बड़ा, एम का मान एक से बड़ा मैग्नीट्यूड में, साइन में नहीं मैग्नीट्यूड में, अगर मैग्नीट्यूड में एम का मान एक से बड़ा है कहीं पर समझ जाओ इमेज क्या इनलार्ज है, कैसे हो गया। सेकेंड केस क्या बोलोगे, केस वन हो गया ये कि अगर एम का मान एक से बड़ा होता है इमेज इनलार्ज है। सिमिलर डेट का देव, अगर एम का मैग्नीट्यूड एक से छोटा होगा इमेज क्या है डिमिनिश्ड है, और अगर एम का मान मैग्नीट्यूड ऑफ एम इक्वल टू वन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इमेज सेम साइज का है। ठीक है, एक तो कर दिए बाकी दो भी सेम से लगा। ये यहां पर मैग्नीट्यूड क्यों दिए, क्योंकि आपका इमेज डिस्टेंस निगेटिव होता है ना, तो माइनस प्लस को भी छोड़ रहे थे सिर्फ उसके अमाउंट में। मान लो कोई क्वेश्चन में एम का मान दिया हुआ माइनस तीन, और माइनस तीन हम जानते हैं कि माइनस तीन एक से छोटा है, सब जान रहे हैं, लेकिन आप माइनस को छोड़िए, तीन है तीन इसका एक मैग्नीट्यूड, वो तीन आपका एक से बड़ा है ना, समझ जाओ कि इमेज कैसा हो इनलार्ज। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अगर जो भी आ रहा है वो एक से बड़ा आता है तो समझ जाना कि वो इमेज इनलार्ज है, अदरवाइज डिमिनिश्ड है, सेम इक्वल आ गया वन सेम साइज का। चलिए इन सारे चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कल भी आपको ग्रुप में सेंड किए तो सुबह आइएगा, वो लेंस मेकर पे था आज फिर जाएंगे, वो ये टॉपिक खत्म हो गया, अभी पावर ऑफ लेंस के बारे में।